हेलो। हाँ जी, राम राम सारे ने, जय श्री श्याम। और किसे सारे उम्मीद है सारे बढ़िया होगी, राजी खुशी होगी और ठीक ठाक होगी। और हम आ गए थे कल घर से, तो कल तो कुछ सफाई सफुई ओढ़ ना पाई क्योंकि आए थे ये लगा लो 11:30 के करीब आए थे। तो फिर आने का थोड़ा आराम आरूम करा, फिर हो जाता फिर जी ना करता। फिर हम भंडारे में चले गए, उड़े जाकर 2 घंटे के करीब उड़ ला गया। फिर आने का खाना वाना खाया उड़ा, फिर कित मन करे था। तो आज सुबह उठते ही सुबह के बजे 7 और यू संभाल लिया सफाई का मोर्चा घर काल। देखो कितने ना भूत बंगला हो रहा है, देखो देखा भी कि चीज इतनी दृष्ट जम रही है बहुत ज़्यादा। लो मोटी मोटी तो ना उसने झाड़ू निकाल रखी है सारे को। हाँ इसमें कर लीजिए, उसमें कर ले बैठ लीजिए। देखो बच्चे भी लग रहे हैं मदद कर रहे हैं। आयुष ने देखो डस्टिंग करे है और आदि भी लग रहा है, आदि बार की करे है, ये अंदर की करे है। मैं ही उतारूंगी जाले, फिर काटूंगा डार, फिर लगाऊंगी पोछा। मोटी मोटी डस्टिंग ये कर देंगे, बाकी की जो है वो मैं करूंगी। कपड़े धोगे थे कल, कुछ रह रहे हैं, कोई लग गया है काम पर बिना टाइम वेस्ट करना, तो फिर धूप हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना मौसम भी देखो ठीक ठाक है, ठंडा मतलब हवा भी चल रहा है थोड़ी थोड़ी। सारी चीज़ें पड़ रखी भूडी, धूल जमी पड़ी है, देखो कितनी बुरा हाल हो रहा है। देखो सारे गंदी आई है ना, कई बार सब कुछ आटा पड़ा है, तो मैं फटाफट काम पर लग जाऊँ। ये सब बुंदा घर हो रहा जी भी ना लागता, सारे की साफ सफाई हो जाएगी। मुझे जा जी लगा, जी भी सा लगा, हाँ अपना घर है इतनी सा लगा है कि भूत बंगले मान बड़े। तो ईद लाग जाऊँ फटाफट, फिर रोटी बनानी फिर लेट हो जाएगा, तो आए टाइम लगेगा। बाला खास तो लाग ये करवा देंगे ना, तो ना के ले करना था सब कुछ। शीशा भी देखो किसा हो रहा है। तो मैं लागी हूँ जाला तारण और सारे का ना सब बुंडा हाल हो रहा है। 10-11 दिन रुके आए थे ना, मैं तो क्या मैं तो जाले लाग रहे हैं और फिर उसमें दूसरा ये हो जाए ना, गणे तो ना लाग रहे मतलब थोड़े थोड़े हल्के से हैं, पर उसमें जो आंधी आई ना उसकी वजह तो उसमें ना धूल माटी पड़ गई, तो इस मारे ना सारा हाल मतलब सारे घर का हाल ये सब बुंडा हो रहा है। तो सबसे पहला नहीं जाले तारूँगी ना, तो फिर इनमें जो रेत रात लग रहा है वो जड़ जड़ कर सारे का पड़ेगा। और आदि भी लग रहा है डस्टिंग करने थी और आयुष भी लग रहा है, दोनों बाल कितने डस्टिंग कर देंगे। मैं ये जाले तारू हूँ, जाले उतार कर देखे आदि आड़े पैंडी पर का बाहर का जो भी सामान दे रहा है उसकी डस्टिंग करा है। और आयुष भीतर का सोफे साफे बेड है उड़े का जो खिड़की खिड़की उन पर का कपड़ा मारा, वो सूखा कपड़ा मारा है। आदि गीला करके ना छोड़ कर उसका मारा है, क्योंकि खाली सूखे कपड़े तभी पूरी डस्टिंग है ना कवर ना होती मतलब उतरती को ना। तो ये माड़े का ना लाग रही हूँ जाले उतारती, और टाइम हो रहा है सुबह का लगा लो 7 बज रहे हैं। और लेट उठी थी मैं, कई दिन मैं वाह घर आली आदत हो रही है ना, करता आई हूँ तो लेट उठा जा उड़े लेट उठा करती ना, तो आड़े भी वाह आदत हो रही है। सुबह अलार्म तो भरया था बंद करके फिर सो गई, कुछ नहीं हो जाए ना, बस स्कूल में तो बालक जाते को ना, तो इस मारे उठने का फिर आलस सा हो जाए है, नहीं हो जाए। मैं दिन मैं कोई ना दिन मैं कर लेंगे काम, थोड़ी ही रह रही है बालका की छुट्टी 10-1 दिन की, इतना कर लें आराम। फिर तो तड़के 5 बजे उठना पड़ेगा डेली, बालक स्कूल में जाऊँ तो टाइम 3 का टिफिन उफिन तैयार करके देना पड़ा है। तो इस मारे ना फिर मैं ये सोच कर मैं चलना, हफ्ता 10 दिन रह रही छुट्टी, बालका कितना तो अपना आराम तो सो लिया। तो ये मैंने सारे के जाले जुड़े तार दिए हैं और धूल माटी भी रह रही है, तो जितने जितना हाथ नीचे तक पहुँचा ना उड़े का तो कपड़ा मार दिया था आदि ने, और आयुष ने कपड़ा मार दिया था आदि ने लाग रहा है, बाकी का मैं करूँगा। और ही बागी हूँ आड़े या नाली भी कितनी भरी पड़ी हाँ दिया ही है ना, तो कितनी फुल भरी है देखो बराबर हो रही है इसके गाल के, तो इतना साफ कर दूँ हूँ। या माटी थोड़ी सी आली है तो लकड़ जाएगी, पाछे नहा नुआगे पानी इसमें आ जाएगा ना, तो फिर लकड़े भी ना गई, फिर इसका थोड़ा इसका धूप लाग जाएगी तो सूखी हो जाएगी, इसने गाल का फिर घेर आऊँगी। इब थोड़ी ही बत्ती दिक्कत है इसकी, क्यों गर्मी का टाइम है ना तो मेरे आंधी आ उसमें बाल उड़े थे उड़ उड़ कर इसके माँ भर जावे है, कई दिन हो गए ना, तो 15-20 दिन में मैं इसने काटे दिया करूँ माटी जितनी भी हुआ अपने बाहरने आगे साफ रहे है। और ये भी बारिश आओगी तो फिर पानी भी इसमें रुक रुक कर चल लगा, और
मच्छर हो जा, गंदगी हो जा, बदबू आवे तो मैं तो अपने आड़े का काट लिया करूँ बाने आगे का, साफ रहे साफ सुथरा रहे। तो ये मैं भीतर का झाड़ू काट आई थी, जाले तार आई थी, अरे भैया माटी काट दूंगी इस नाली की, या काट कूट का गिर का ना हो ही नहीं, थोड़ा धूप लग जाएगी नहीं का, सांझ सी ने गिर खाऊंगी इन्हें, धूप लाग जाएगी ना फिर, या सूखी सूखी हो जाएगी थोड़ी गिल्ली सी है तो तसड़े में गालूंगी वो कभी सारी लिप जाएगी, पाछे गिर खाऊंगी ये मैं काट दूँ ही ना, मखा काट कूट कर फिर पोचा ला दूंगी तो वो नुए ना इन्हें दोगी बगड़ना, फिर मखा नहीं तो सूख रही है नाली या सही सूखी है माटी लकड़ जाएगी, फिर पोछे का पानी आओगा ना तो सारे का फिर अल्लाह हो जाएगा, तो फिर लकड़ ना पाओगी इस मारे ना झाड़ू काट कर, पहला मैं इससे कर लाग गई थी, धूप पोते जो रही है पाछे कमर है ना कती जलन लाग रही सा लाग रहा है जो उनकी जन है ना कती आग बाल रखी हो पाछे ने, तो और थोड़ी ही बार पाछे ने और गणी हो जाए तो न्यू है थोड़ी आवाज़ तो चल रहा है इस मारे थोड़ी जग पड़ रही है, और ये भी गार गुर काट दी है गरताए पाछे तो न्यू लगा लो एक दो तीन दिन तक न्यू बीत जा, पूरा दिन आज मेरा न्यू जाने वाला है, कल ना लागी कल आते जे ना कर 11 बजे सी तो घर पहुँची थी, फिर आने का है ना नलके वलके आए थे पानी पुनी भरया, फिर भंडारा था उड़े चले गए, तो फिर जी ना करया, और आज तो पूरा दिन में बीतने वाला है। भाई 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 ईब की जा है गेर में जा, आज बेटा गणा ना अंडे धूप में बीमार हो जावेगा, सामने खेले ये दूध दाद लिया कर फिर खेले ये बेटा ना गाँव हो रही सब बुंडा देखे बुंडी गर्मी कर रखी राम ने बीमार हो जाएगा गणा ना अंडा कर आड़े नाली में कहने या माटी काटनी जरूरी हो जावे है इसके ना कई रीजन हो है, एक तो देखो या नाली हट जा सारी बारिश का पानी आओगा ना तो फिर ना गली में का चलता रहेगा क्यों नाली तो भरी है पूरी, तो इस मारे मैं इसने काटती रहा, और दूसरा फिर मैन रीजन मेरा की है गर्मी का टाइम हो रहा है इसमें पानी भरा रहे है मिट्टी है पानी निकल जावे फिर जब भी या जो माटी सूखे माँ भरी है ना या आली रहे है तो कोई बारिश हो लिया कि अरे साथ में जो कर देख रहा कि तुमने पेड़ पैड है भाई थोड़ा परे ना बनी सी पड़ी है ना तो उड़े तो ना सांप सूपर भी आ जा है, अरे हमने थोड़ा सा जो कर लकड़न का जो हमारा छोटा गेट की जो छोटे वाली खिड़की है ना या थोड़ी वो छोड़ रखी है तो उसमें कहना वह अनवी में गुस्सा में हर या जो सिली है ना इसके नीचे देखो मैं बैठी मेरे पा के साथ में छोटा टुकड़ा तो मैं दिखता हुआ फर्श किया है इसका नीचे कुंडली मार के बैठ जा मैं तो कीड़ा काटा है, और रात बेरात कई बार ऐसा भी होया है पानी आवे है पानी की वो हो ना तो भीतर भी गुस्से हैं तो कुछ इसका रीजन यो भी है, तो मैं गर्मियाँ में इसकी ज़्यादा और आख्या करूँ हफ्ते 10 दिन में जब भी इसमें थोड़ी माटी होवे ना गर्मियाँ में गणी आवे है जाडे में तो आती भी कौन है गर्मी में रवा या दिक्कत आंदी आवे है नेरी तो उड़ उड़ कर रेत वो आती है तो ठंड के मारे भी गर्मी है सब नए वो लाग एक दिन वो आ रहा था कि बोला कर उसने गवेरा वो आ रहा था इसमें इसके नीचे बैठा था पोछा लगा कर मैं और पानी जो पर खंडा ना तो जब लकड़ा था वो ना देखो तो भीतर बढ़ जाए ये भी थोड़ी झाड़ू रही थी यार सरकाऊ हूँ मैं अब क्यों और तो रेत सारा भीतर जाए मियो कैसे पढ़ दिया पुदीना इसमें तो आप रस्सी बनाया करते हैं लगे करता पानी भी तो टोटे का हो गया दो दिन आड़े का तो कल आए थे नल के
रेत के नहीं इकट्ठा हो जगह, इतनी तेज हवा है, उल्टा है उड़ा ले जावे है। हे भगवान, लकड़ तो गई झाड़ू, इतनी मुश्किल था, यो रेत था और ये इनके पत्ते पत्ते टूट रहे, बड़ी मुश्किल तक इकट्ठे करे हर ये पेड़ा में जो भी सूख रहा था ना वह भी तोड़ ताड़ दिए। मैं राजा जा रही थी तो इनमें फूला मैं और पुदीना लगा रखा था मैंने, इसमें जो बकेट है पोछे वाली इसमें, तो इन्हें पानी पुनी तो गल लिया कुने, ये सारे फूल फूल तो मतलब मुरझा रहे थे आए जब, और ये पुदीना था और उसके गेंदे के फूल लगा रखे थे वे तो कति सूख गए थे, तो फिर उन्हें पाड़ तोड़ कर भगा दिया। यूज़ करता मम्मी पुदीना क्यों पाड़ दिया, माँ बेटा यो कुछ काम को ना सूखा पड़ा है पति, तो वे सारे पाड़ फूड़ कर सफाई कर दी है मैंने इनकी और इनमें गाल दिया पानी, तो तुलसी थी और ये फूल थे, ये तो दोबारा इतने हरे भरे हो गए हैं और फिर हो जाएंगे, देखो दिक्कत तब ना कति हरे हो गए हैं, ये पानी गालते घंटे एक में ये सही हो गए थे, भी वो कूड़ाड़े का गाल दिया है और देखूंगी पानी का जुगाड़ जिस तरह भी बनेगा, इस नाड़े को दोऊंगी, बहुत गणा रेत हो रहा है पोछे के तो काबू में आवे ना, यो देखो टाइल तब ना दिखती होंगी इनका ना रंग भी ना दिखता, लाल है और ये सफ़ेद है, कति बूंदी हो रही अट्टी पड़ी हैं, तो ईब दोऊंगी, पहले तो कूड़ा गिर कहूँ फिर दोऊंगी, और बड़का नहीं लाग रही भूख, तो रोटियाँ की भी कम है, वो भी लेट सा सोया था तो वो भी उठेगा ना, जो उसका तो मतलब इतना दिक्कत कौन है, मैं तो लेट सेट खा गया तो उसने तो आदत है, तो बड़का की ये बत्ती रहे है, तो भाई यो है था आज की वीडियो में, ई मैं पोछा पाछा लगाऊंगी दोऊंगी रोटी बनाऊंगी, तो भाई वीडियो ने देखते देखते लाइक कर दिया करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करो, तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और या एक बात और बता दूँ मैं, यह वीडियो 4-5 दिन पुरानी करता आई थी ना, उस अगले दिन बनाई थी मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिला था इसलिए अपलोड नहीं कर पाई। जय श्री श्याम सार।